हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे स्टेप जिससे कि आपका चेस्ट एकदम बड़ा हो जाएगा। पूरी वीडियो में बने रहना एंड तक, और पोजीशन बताऊंगा किस तरीके से करना है। मेन चीज पोजीशन ही होती है। स्टेप नंबर 1, इंक्लाइन बेंच पे आपको मारना है 15 रैप के 3 सेट, और पोजीशन आप देख लेना किस तरीके से लगाना है। इसमें भी मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। एल्बो थोड़ा आगे, ये टच नहीं करना है इतना। एकदम सिलो लाना है नीचे को, इस तरीके से नहीं, ऐसे, ये गलत है, बिल्कुल सिलो। इंक्लाइन बेंच से ही शुरुआत कर। नंबर 2, इस एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच पे फ्लैट डंपल मारने हैं दूसरे नंबर पे, और 12 से 15 रैप के इसके 4 सेट लगाने। आपको पोजीशन देख लेना आप, और क्या गलती करते हो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये गलत है इस तरीके से, मैंने बिल्कुल फ्लैट मुंडी उठानी नहीं है। आगे करके 1, 2 इस तरीके से आप देख रहे हो, 3 कुछ ऐसे करते हैं। ये गलत है, पूरे फ्लाई डंपल मारने हैं तो। एकदम सिलो ही लेके जाना है इस तरीके से। इसी तरीके से आप वर्कआउट करोगे तो आपको 100% रिजल्ट। इंक्लाइन बेंच हो गई और फ्लाइट डंपल इंक्लाइन बेंच पे। अब अपने को मानना फ्लाइट बेंच रोड से, इसके भी आपको 12 से 15 रैप के 3 सेट लगाने हैं। पोजीशन आप देख लेना, मेन चीज पोजीशन ही होती है। एकदम स्लो और टच नहीं करना है, कोई भी चेस्ट का सेट टच नहीं होना चाहिए ऊपर। स्टेप नंबर 4, फ्लाइट बेंच पे इंक्लाइन डंपल मारने हैं, और इस एक्सरसाइज के आपको 15 रैप के 4 सेट लगाने हैं, जो कि अपने को जो भी डंपल मारना है उसके 4 सेट। चीज पोजीशन ही होती है किस तरह की से मैं लगा रहा हूं। स्टेप नंबर 5, और डिक्लाइन बेंच पे अपने को मारने हैं डंपल। आप देख सकते लेना पोजीशन किस तरीके से लगाना है, पोजीशन देख लेना गाइस डिक्लाइन बेंच पे। ये लास्ट स्टेप है, और इस एक्सरसाइज के आपको 12 से 15 रैप के 4 सेट लगा लेना है, और पोजीशन देख लेना, सबसे ज़्यादा इसी में मिस्टेक करते हैं। पोजीशन आप देख लेना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कमेंट्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊं, और कैसी लग रही है मेरी वीडियो।